एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है। चलो चालू करें। एक ही बात है, आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को, कल तुम लोग का जो टेस्ट होगा वो तो होगा ही, संग हम बता देंगे, हम बता, हाँ उसके पहले ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो कल जो टेस्ट है वो तो है ही, उसके साथ साथ तुम लोग का क्लास भी करा देंगे, तो वो मेकअप हो जाएगा, ठीक है। 150 नंबर का है, 1 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। हाँ क्लास तो है ही, हाँ आओ। अरे वो मैं बता दूंगा, कुछ नहीं करना है, कल सबको लैपटॉप लेके आना है बस, ठीक है। पोर्टल पे होगा टेस्ट, ठीक है आओ। चलो आओ, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी कैश रिवॉर्ड है 1100 रुपए का, ऑफलाइन वाले बच्चों लोग के लिए भी है। कम्युनिटी सब लोग फॉलो किया करो, ठीक है आओ। तो देखो हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट स्ट्रीम, लेवल एनुइटी, ठीक है। आज का हेडिंग लगाइए, आज का हेडिंग लगाइए सबसे पहले, डेफर्ड एनुइटी, ठीक है। डेफर्ड एनुइटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक ऐसा चीज जो कि इमीडिएट नहीं है, नॉट इमीडिएट, नॉट इमीडिएट, ठीक है ना। एक ऐसा चीज जो कि इमीडिएट नहीं है, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, तुरंत मतलब नहीं। देखो एक होता है इमीडिएट एनुइटी जो कल किए थे नॉर्मल, इमीडिएट मतलब वो 0 से भी चालू हो सकता है और 1 से भी चालू हो सकता है, और एक होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब 0 से चालू होगा, इमीडिएट का मतलब पहला साल से चालू होगा, पहला साल का स्टार्ट भी हो सकता है एंड भी हो सकता है। डेफर्ड एनुइटी का मतलब क्या है, पहला साल से चालू नहीं होगा, एनुइटी फॉर 10 ईयर्स विच इज डेफर्ड फॉर 5 ईयर्स, ऐसा सोचो, ठीक है। अब इसमें बहुत सिंपल है, देखो ध्यान देना, ऐसा मान लेते हैं कि एनुइटी है 10 साल का, बट पहला 5 साल के लिए डेफर्ड है और एनुइटी हो रहा अरियर्स में है, तो कितना साल डेफर्ड पीरियड जो है, डेफर्ड पीरियड है 5 साल, तो ये है 0 और ये है 5, जो भी डेफर्ड पीरियड है ना उसको 0 मान लो। अब कुछ नहीं बोला है तो अरियर्स मान के चलते हैं, तो पहला पेमेंट कब होगा, 6 पे होगा, दूसरा 7 पे, डॉट डॉट लास्ट वाला होगा 15 पे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, मान लो हर एक पेमेंट 1 रुपया का हो रहा है तो टोटल में पेमेंट कितना होगा, 10 होगा। पहला को पुल बैक करेंगे 6 साल, फिर दूसरा को पुल बैक करेंगे 7 साल, फिर 8 साल, फिर 9 साल, डॉट डॉट डॉट, फिर 15 साल। अब इससे क्या कर सकता हूं, v^5 कॉमन ले सकता हूं, अंदर में क्या बच रहा है, वी प्लस वी स्क्वायर प्लस डॉट 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 v^10। ये क्या है, लेवल एनुइटी पेड इन अरियर्स फॉर 10 ईयर्स का फॉर्मूला, वी वी स्क्वायर वी क्यूब डॉट डॉट v^10 तक। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, v^5 a10। एक चीज सोचो, इसका अक्यूमुलेटेड वैल्यू में क्या कोई फर्क आएगा, चेक करते हैं। टाइम 6 पे जो पेमेंट हो रहा है उसको 15 पे लेके जाना, मतलब कितना साल अक्यूमुलेट करना है, 9 साल, फिर अक्यूमुलेट करना होगा 8 साल, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला पेमेंट को 1 प्लस i^0 उल्टा कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस i प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस i^9। ये बेसिकली क्या है, 1 प्लस i^n-1। तो दिस इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू फॉर्मूला फॉर लेवल एनुइटी पेड इन अरियर्स फॉर 10 ईयर्स। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि डेफर्ड पीरियड है ना, तो टनेगा ज्यादा, टन रहा ज्यादा है, लेकिन अक्यूमुलेशन तो 9 साल का ही हो रहा है, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 0 साल। अक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी s10 ओनली, s10 दोनों ही केस में, चाहे इमीडिएट हो चाहे डेफर्ड हो, ठीक है। बट प्रेजेंट वैल्यू में एक्स्ट्रा 5 साल टन रहा है, ठीक है, कॉपी कर लो उसको, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नो चेंज इन अक्यूमुलेटेड वैल्यू, ओनली प्रेजेंट वैल्यू चेंजेस, ठीक है।
हाँ डिराइव मैंने कुछ किया ही नहीं है इसमें। डेरिवेशन भी आता है एग्जाम में, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। चलो अब जैसे एक और केस ले लो, एनविटी इज फॉर 9 years इन एडवांस, डेफर्ड पीरियड जो है वो है आपका 6 years। सो डेफर्ड पीरियड है 6 years, तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, तो 6 को क्या मानेंगे? 0। अब 9 साल के लिए पेमेंट कैसा हो रहा है? एडवांस में हो रहा है, तो पहला पेमेंट कहां पर होगा? 6 पे। समझ गया ना, क्रक समझा? तो कुछ भी नहीं है, इसको 0 माना है, तो एडीयू 9 होगा 9 साल का एनविटी का, एडीयू 9 होगा, वैल्यू कहां पर आ रहा है? एडीयू 9 करने से 6 पे आ रहा है, इसको 6 से 0 पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी टू द पावर 6। 6 जो डेफर्ड पीरियड है उसको 0 डिट करो, एडवांस एरियर सेट सेट कर लो, वैल्यू वहां पर आ जाएगा, फिर 6 साल डाल लो। ठीक है,